हेलो गाइस, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि 2019 का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। तो अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और सब कुछ। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारे पूरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल विशाल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए, उसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए MyDBT। उसके बाद आप पहला लिंक ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉप पे भी सूचना दी गई है 2019-20 का चालू हो गया है। तो आप यहाँ से लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि हम कौन कौन से शिष्यवृत्ति के लिए यानी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके नाम बताता हूँ आपको। तो पहला नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना, और दूसरी है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाती भत्ता योजना, थर्ड एकलव्य आर्थिक सहाय्य, और चौथी है गुणवत्ता विद्यार्थियों आर्थिक सहाय योजना कनिष्ठ स्तर के लिए। गुणवत्ता विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहाय योजना वरिष्ठ स्तर और राज्य शासन की दक्षिणी शिष्यवृत्ति, और आगे शासकीय संशोधन शिष्यवृत्ति, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ति, राज्य शासन की खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ति, गणित व भौतिक शास्त्र विज्ञान की प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, शासकीय विद्यानिकेत शिष्यवृत्ती, राज्य शासन की अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती भाग दोन, माजी सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य। इतनी शिष्यवृत्ती आपको दी जाएगी, तो आप उनके लिए क्या अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।